हेलो एंड वेलकम ऑल। कंफ्यूज वर्ड्स में आज भी चार कन्फ्यूजन्स हमारे पास हैं। आज का पहला है बेनिफिशेंट, बेनिफिशेंट एंड बेनिफिशियल। बेनिफिशियल डिफरेंस कहाँ पे है? बेनी बेनी तो ठीक है, फी भी ठीक है। जो लास्ट फोर वर्ड्स है सेंट और सी आई एल सल, सेंट और सल का उच्चारण में डिफरेंस आ रहा है। और इस तरह से बेनिफिशेंट की हिंदी होगी दयालु और बेनिफिशियल की हिंदी होगी लाभप्रद। बेनिफिशियल नहीं, बेनिफिशियल ध्यान रखेंगे। दूसरा होगा बाथ और बेद, दोनों की हिंदी होती है स्नान करना। स्नान करना किस तरह का स्नान करना को बोलते हैं बाथ, और बेद क्या है? लिखा हुआ बिल्कुल एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। फिर है बेनिफिट, एडवांटेज, प्रॉफिट। हम इसका यूज करते रहते हैं, क्या अंतर है इसे देखेंगे। बेनिफिट का हिंदी है फायदा, एडवांटेज का लाभ। तुलनात्मक दृष्टि से लाभ होती है उसे कहते हैं प्रॉफिट, मतलब लाभ, व्यापारिक लाभ। फिर है बाई और परचेज। हम इसको फ्रीक्वेंटली प्रयोग करते हैं, बाई का मतलब खरीदना और परचेज का मतलब भी खरीदना। तो क्या डिफरेंस है? छोटे मोटे सामान खरीदते हैं उसे बोलते हैं बाई, विशेष सामान खरीदते हैं उसे बोलते हैं परचेज। बेनिफिशेंट मतलब दयालु, दयालु। ऑल लव अ बेनिफिशेंट पर्सन, सभी एक दयालु आदमी को प्यार करते हैं, इसका सिंपल यूज कर दिया है। बेनिफिशियल मतलब लाभप्रद। अ कंपनी ऑफ अ गुड पर्सन इज बेनिफिशियल, मतलब एक अच्छे आदमी की संगति, कंपनी मतलब संगति, इज बेनिफिशियल लाभप्रद होती है। एक अच्छे आदमी की संगति लाभप्रद होती है। नाउ बाथ, बाथ मतलब स्नान करना। जैसे हम समान प्रक्रिया स्नान करते हैं, जो हम लोग का तरीका है इसे बोलते हैं बाथ, समान प्रक्रिया से स्नान करना। हैव अ बाथ और टेक अ बाथ जैसे हम शब्द प्रयोग कर लेते हैं जब स्नान करना बोलना पड़ता है तो। लेकिन बेद, बेद का मतलब भी स्नान करना होता है। जब झील में, तालाब में, नदी में, स्विमिंग पूल में, समुद्र में नहाते हैं तो वहां पे स्नान करने के लिए लिखेंगे बेद। इतना ही नहीं, किसी अंग विशेष को हम साफ करते हैं, धोते हैं, तो उसी के लिए भी लिखेंगे बेद। जैसे हाथ साफ करते हैं तो बेद माई हैंड्स। पसीने से जब नहाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पसीना हो जाता है, तो पसीने से जब नहा लेते हैं, तर बतर हो जाते हैं, उसे भी बोलते हैं कि बेद। वहां पर भी नहाने के लिए बेद बोलते हैं। धूप, सूर्य के धूप में नहाना, जैसे बीच पे, जहाँ पे बीच पे लोग सूर्य के धूप में रहते हैं ठंडे देशों में, तो सूर्य का धूप सेंकते हैं उसको बोलते हैं सूर्य के धूप में नहाना बोलते हैं, वहाँ पे बेद कहते हैं। हम लोग भी ठंडी के मौसम में सूर्य का धूप सेंकते हैं उसे कहते हैं बेद, सूर्य के धूप में नहाना। इसको भी हैव अ बेद लगता है यहाँ पे, अगर आपको यूज करना है सेंटेंस में तो। हैव अ बेद मतलब स्नान करो। तो ये हो गया बात और वेद। ध्यान रखना है कि वेद का मतलब क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बेनिफिट मतलब फायदा, ये सामान्य सा फायदा, किसी काम को करने का फायदा। एडवांटेज मतलब लाभ, लाभ कौन सा? तुलनात्मक दृष्टि से लाभ। प्रॉफिट मतलब लाभ, व्यापारिक लाभ। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको करते हैं नोविस। नोविस मतलब नौसिखिया, नौसिखिया का मतलब होता है नया सीखा हुआ, इनएक्सपीरियंस्ड। सो बेनिफिट मतलब फायदा। मॉर्निंग वॉकिंग बेनिफिट्स अस, सुबह की वॉकिंग हम सबको फायदा पहुंचाती है। ये फायदा हो गया, ये व्यापार वाला फायदा नहीं है, पैसा वाला फायदा नहीं है, यह फायदा है। हाँ, इसको कहीं भी यूज कर लीजिए फायदा के लिए। लेकिन तुलनात्मक फायदा की बात करेंगे, जैसे एक्सपीरियंस गिव एडवांटेज ओवर अ नोविस। एक्सपीरियंस गिव्स, अनुभव देता है एडवांटेज, एडवांटेज ओवर अ नोविस, एक नौसिखिया पर। मतलब कोई एक्सपीरियंस पर्सन है और कोई नोविस पर्सन है, तो फायदा एक काम को करते हैं तो जो एक्सपीरियंस है वो उसको अधिक, तुलनात्मक रूप से उसको अधिक फायदा होगा, इसे कहते हैं एडवांटेज।
फिर है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स लाभ। लाभ कौन सा? जो व्यापार करते हैं उसमें जो लाभ होता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। मीरा अर्न ह्यूज प्रॉफिट इन द ट्रेड। मीरा ने व्यापार में बहुत प्रॉफिट अर्न किया, कमाया। फिर बाय। बाय मीन्स खरीदना, छोटा मोटा सामान खरीदना, जैसे कि नोटबुक्स। मीरा बाइज नोटबुक्स, मीरा नोटबुक्स खरीदती है। परचेज मीन्स खरीदना, विशेष सामान खरीदना। मीरा परचेज अ कार, मीरा एक कार खरीदती है। तो कार तो रोज खरीदते नहीं, इसलिए विशेष खरीदारी है, तो यहाँ पे परचेज डाल देंगे। तो बाई छोटे छोटे सामान और परचेज बड़े बड़े सामान। हाँ, बाई छोटा है, 3 वर्ड का है, परचेज यहाँ पे देख रहे हैं 8 वर्ड का है। एक ट्रिक से कैसे भी याद कर लीजिए आप, याद करना है कि कहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा आज? बेनिफिशेंट बेनिफिशियल, बाथ बेद, बेनिफिट एडवांटेज, प्रॉफिट बाई और परचेज। थैंक यू वेरी मच।